हेलो दोस्तों, वेलकम टू i7 सॉल्यूशंस। आज हम बात करने वाले हैं इंटेल की आने वाली रैप्टर्स लेक प्रोसेसर के बारे में, जिसमें बड़ी न्यूज ये निकल के आ रही है कि इंटेल के सीपीयू अब 6 गीगाहर्ट्ज स्टॉक पे चलने वाले हैं और उनके सीपीयू को 8 गीगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक किया जा सकता है। बट क्या सच में ऐसा है? अगर नहीं तो कहां तक ये बातें सच है, आइए जानते हैं। अगर आप इमेज के एकदम राइट के ईयर 2022 के कॉलम में देखेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। हमें लगता है कि 6 गीगाहर्ट्ज स्टॉक स्पीड इंटेल अपने फ्लैगशिप i9-13900K में नहीं देने वाला है। ये i9-13900KS में होने की संभावना है। और जो 8 गीगाहर्ट्ज स्पीड की बात की जा रही है वो सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन से पॉसिबल है। नोट करने वाली बात ये है कि इंटेल के 6 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, एएमडी के राइजन 7950X प्रोसेसर से 300 मेगाहर्ट्ज फास्टर है। इंटेल ने तो ये भी क्लेम किया है कि उनके रैप्टर्स लेक 15% फास्टर है इन सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस और 41% फास्टर है इन मल्टीथ्रेडेड परफॉर्मेंस कंपेयर्ड टू इट्स प्रीवियस जेनरेशन एल्डर लेक। पिछले हफ्ते इंटेल ने अपने 6 प्रोसेसर्स के स्पेक्स शेयर किए हैं, जिसमें कहीं भी 6 गीगाहर्ट्ज स्पीड को मेंशन नहीं किया गया है। इसे साफ पता चलता है कि जो 6 गीगाहर्ट्ज की बात की जा रही है वो इनके केएस मॉडल में पॉसिबल है। इंटेल ने इस सीपीयू को एएमडी के राइजन 7 5800X 3D के काउंटर अटैक करने के लिए ही निकाला है। दोनों कंपनीज फास्टेस्ट गेमिंग सीपीयू के टाइटल के लिए फाइट कर रही है, जिसका फायदा सिर्फ कंज्यूमर्स को ही हो रहा है। अब ये प्रोसेसर पावर कितना कंज्यूम करेगा? क्या 300 वॉट से ऊपर के TDP को हिट करेगा? क्या इस प्रोसेसर के लिए डेडिकेटेड एक्सट्रीम परफॉर्मेंस मोड वाले मदरबोर्ड मैंडेटरी होने वाले हैं? प्राइसिंग क्या होगा? ये सब तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।